हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को ना। देखो मेरे भाई, हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे। पीरियोडिसिटी में आज बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है भाई। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जनरली, मैं देखा हूँ और आप लोग भी देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल आते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। आपसे ये पूछ लेता है मेटल नॉन मेटल इस तरीके की बातों का, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन से हैं जो मेटलॉइड्स हैं मतलब उप धातु हैं, कौन है जो मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ इस तरीके की चीज़ों को पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं पीरियोडिसिटी के इस लेक्चर में आपको मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा आपको। बहुत बेसिक सा लेक्चर है। ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग इस पर। हमारा क्या है, धातु अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं मेरे भाई, वो एलिमेंट्स को हम तीन भागों में कैटेगराइज कर दिए हैं। तीन भाग कौन कौन से हमारे, ये यही हैं कि हमारे तीन भाग, एक तो मेटल हो गया, मेटल मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। देखिए मेरे भाई, जैसे ये आपका क्या है पीरियोडिक टेबल, मान लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपके ये तीन पार्ट इस तरीके से बटे हुए हैं। ये ऐसे आपका ये तीन पार्ट बटा हुआ है। ये आपके जो हैं, इधर आपके एस ब्लॉक वाले भरे होते हैं, इधर आपके डी ब्लॉक वाले भरे होते हैं भाई, डी ब्लॉक वाले इधर आपके पी ब्लॉक वाले, ठीक ना। और यहीं पे इधर कहीं एफ ब्लॉक के रहते हैं, जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम लोग रख देते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम तीन ही तरीके की चीज़ों को देखते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमारा या तो मेटल होगा जिसको हम लोग धातु कहते हैं, या अधातु होगा नॉन मेटल, या फिर मेटलाइट्स होगा जिसको हम लोग उप धातु कहते हैं, पूरा इसमें। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किधर मेटल की पोजिशन है और किधर नॉन मेटल की पोजिशन है और किधर आपके मेटलाइट्स हैं। आपसे सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन सा है जो मेटलॉइड्स नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा है जो मेटलॉइड्स है। चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे मेटल के बारे में देखेंगे। अब ये आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ये आपको दिख रहा है, देखो इसमें एक एक पीला वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, जो बिल्कुल पीले कलर का है आपका, है ना। एक ये पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पीले वाला हिस्सा। एक आपको ग्रीन वाला सेट दिख रहा है, और ये आपका एक तरीके से आसमानी ब्लू दिख रहा है, आसमानी ब्लू दिख रहा है। ये पीला वाला जो हिस्सा है वो यहाँ भी दिख रहा है हल्का सा आपको, है ना भाई। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मेटल्स है, ये मेटल आसमानी ब्लू कलर का जितना सब कुछ दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, आपका मेटल है। सब A to Z आपका क्या है, मेटल है। जो ग्रीन शेड में है आपका इधर, ये क्या है भाई, मेटलॉइड्स हैं, ग्रीन शेड वाले मेटलॉइड्स हैं। और जो आपका पीला है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल आपके यहाँ पे है। तो आपके यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है आपका भाई, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी जगह कहाँ पे है, मेटल वालों के बीच में ये मौजूद है भाई। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग यही तीन कैटेगरी बांटे हैं कि लगभग लगभग 78% के आसपास क्या है, मेटल्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद में देखो नॉन मेटलॉइड्स वाले, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स वाले कितने हैं यहाँ पे, देखो ग्रीन साइड में देखो, 1 2 3 4 5 डायगोनल ले जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये डायगोनल लेके जाओ, ये डायगोनल, ये सीधा सीधा डायगोनल लेके जाओ, ऐसे ऐसे एक डायगोनल आपने सीधा सीधा डायगोनल, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से देखो ये डायगोनल ऐसे लेकर जाओ, ऐसे बिल्कुल एक डायगोनल खींच दिया आपने, ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल पे जो है, जैसे बोरान है, सिलिकन है, इस ट्रायंगल पे जितने आ रहे हैं सब के सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। क्या है, मेटलॉइड्स। और इस ट्रायंगल के अपर, मतलब अपर अपर पोजिशन ऑफ ट्रायंगल, इसके ऊपर वाले जितने भी हैं सब, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन जो भी हैं, मतलब कह लूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो भी आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है मेरे भाई, नॉन मेटल है। तो देखिए आपका यहाँ पे बोरान जैसे हो गया, बोरान हो गया आपका, SI हो गया,
एस हो गया, आपका टी ई हो गया, आपका ए टी हो गया, जी ई हो गया, एस बी हो गया, पोलोनियम हो गया, पी ओ हो गया, ये सब के सब। प्योर मेटोलाइट की बात करूंगा मैं, प्योर मेटोलाइट के, तो जैसे देखो एक दो तीन चार पाँच, ये जो डायगोनल पे प्योर मेटोलाइट है, और बाकी ये जो दो तीन है जो इधर वाले जो छोटे वाले डायगोनल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे वाले डायगोनल, इनमें भी परसेंटेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल का ज़्यादा होता है, ये भी मेटोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे टोटल आठ हैं, लेकिन अगर प्योर की बात करें तो प्योर वाले ये वाले बड़े वाले डायगोनल आपको दिखते हैं जो मेटोलाइट से। तो ऐसे पूछ लेता है इनमें से कौन से, इनमें से कौन से आपके मेटोलाइट्स हैं या नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्रीन वाले सारे के सारे क्या हैं, मेटोलाइट्स हैं, बाकी सब मेटल हैं, और इधर वाले नॉन मेटल हैं, और ये आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बड़ा वाला डायगोनल बोरान से पकड़िएगा, बोरान से एक डायगोनल ऐसे ले जाके नीचे तक मिला दीजिएगा, उस डायगोनल पे जितने लोग मौजूद होंगे सबके सब क्या होंगे, उपधातु के कैटेगरी में आएंगे। अब उपधातु का मतलब सुन के ही लग रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली जो चीज़ें होती हैं वो उपधातु होती हैं, हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। चलिए अब मेटल को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, फिर उसके बाद में नॉन मेटल उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर मेटोलाइट्स, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, तो जो धातु होते हैं मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली छोड़ते हैं, त्यागते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को त्यागता कौन है, जो क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, जो आपका यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब विद्युत धनात्मक, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जो खींचे उसको। तो हमें क्या चाहिए, हमारा तो नेचर क्या है, मेटल हूँ मैं तो मेरा नेचर है देना, तो मैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्या जरूरी है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, खींचना, खींचना ये नहीं चाहिए मुझे, मैं देने की कैटेगरी में हूँ, देने की कैटेगरी में। और देने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, विद्युत धनात्मक होना चाहिए, इज कॉल्ड मेटल, इज कॉल्ड मेटल। तो जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा है, पीरियोडिक टेबल आपने अगर ऐसे बनाया है तो ये आपका जो इसमें ये आपके डी वाले हैं, इधर आपके ये पी वाले, ये जो है फर्स्ट ए और ये सेकेंड ए, ये जो फर्स्ट ए वाले हैं ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जिसमें आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं ना, ये आपके मोर पॉजिटिव करेक्टर को दर्शाते हैं। इट मीन्स कि इनकी मेटेलिक करेक्टर बहुत हाई है, इनकी मेटेलिक करेक्टर बहुत हाई है, इट मीन्स ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से क्या करेंगे, फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेंगे भाई। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, सो दे आर मेटेलिक इन नेचर, मतलब कि फर्स्ट ए है, सेकेंड वाला है जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम वाले, वो भी मेटल हैं, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं एक बात करूं, कंपेयर करूं, तो वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब उनके मेटेलिक करेक्टर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू उसके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बस फर्स्ट ए लिखा है, वैसे है दोनों, जो भी आपके एल्कली और एल्कलाइन है उसमें मेटल ही होते हैं जनरली। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके बताया गया है कि 78% लगभग अप्रॉक्सीमेटली 78% मेटल मौजूद हैं, और वो मेटल है कहाँ पे, मेन बॉडी में बाएं साइड में जितने मौजूद है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने मौजूद हैं ये सब के सब क्या हैं, मेटल है। देखिए इस जगह पे ये पूरे का पूरा, ये जो बाएं साइड का हिस्सा है, बाएं साइड का, ये सब किसका, मेटल ही है। ये क्या है, 78% पूरा कवर कर रखे हैं मेटल। ठीक है भाई, मतलब ये जितने भी हैं ये सब क्या है, विद्युत धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा। और ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो सामने वाले को क्या करता है भाई, सामने वाले को रिड्यूस करता है। इट मीन्स कि जितने भी मेटल हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं। तो आपसे ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी करके, और कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा, तो वही जिसकी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे सवाल अभी आएंगे, मैं करवाऊंगा, अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो देखो इसके क्या है, धातुओं के कुछ गुण, क्या धातुओं के गुण क्या हैं भाई,
पहला गुण ये है कि इन जनरल ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ एक केस में ये लिक्विड में भी रहते हैं। जैसे आपका ये पूछा गया सवाल है कि लिक्विड, ऐसा कोई मेटल जो लिक्विड स्टेट में क्या हो, एक ये आपको कलर नहीं दिख रहा है क्या, कलर नहीं दिख रहा होगा तो भैया मैं यहाँ पर लिखा हूँ एच जी इज लिक्विड, ये लिखा हूँ मैं। तो पारा जो है आपका, जो पारा होता है ये मेटल होता है लेकिन लेकिन क्या है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में है इनमें से कौन सा है, तो आपको वहाँ पे लगाना है पारा। आपका जो एच जी है वो मेटल है, ठीक है। बाकी तो जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट आपका पारा एच जी। और देखो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो मेटल होते हैं मेटलिक कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर आयनिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे आयनिक इंट्रैक्शन आयनिक की बात होने लगेगी वहाँ मजबूती आ जाती है, और स्ट्रॉन्ग मजबूत होंगे तो उनको मेल्ट करना, उनको बॉयल करना डिफिकल्ट होगा। तो जनरली क्या होते हैं, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। मैंने फजान में भी ये बात आप लोगों को बताई थी और समझाई थी। तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कुछ एक को छोड़ के। जैसे आपका गैलियम है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे कैल्शियम काट दीजिएगा, सीजियम लिख दीजिएगा, सीजियम, ये लोग लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब ये इनका लगभग लगभग 303-302 केल्विन, मतलब वही 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के आसपास ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन बाकी के बाकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनका रहता है कुछ एक छोड़ के। जैसे आपने यहाँ पे देखा गैलियम हो गया, आपने यहाँ देखा आपका सीजियम हो गया, ये थोड़े से होते जरूर है मेटल लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट, ये अपना पिघल जाते हैं रूम टेम्परेचर 28-29 डिग्री पे ही इनका पिघलना शुरू हो जाता है। तो कुछ एक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अगला जो पॉइंट है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं भाई किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। अभी मैं सवाल दिखाता हूँ कैसे सवाल आते हैं। देखिए भाई अगला देखिए, दे आर मैलेबल, लचीला, जैसे मैं कोई चीज रख दूं और उसको हथौड़ा से मार मार के उसको क्या कर दूं, पिचकाऊं, तो क्या हो कि फैलने लगे, टूटने के बजाय वो क्या हो, फैलने लगे। जैसे आप एक कह लो, आपने देखा होगा लोहा गर्म है, लोहे जब लोहा गर्म होता है उसको जब पीटते हो तो टूट नहीं जाता है, वो क्या कहता है, फैलने लगता है, आकार लेने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैलेबल, उसी को हम लोग कहते हैं लचीला, लचीला मेटल है ना। तो उसको जब पीटोगे कुछ ऐसे, जैसे कोयला है, कोयला को ऐसे पीटो फट से टूट जाएगा, वो फट से टूट जाएगा, बिखर जाता है। लेकिन ऐसे लोहा गर्म है, लोहे गर्म पे अगर पीट रहे हो हथौड़े से तो क्या होता है, फैलता जाता है, फैलता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनका नेचर होता है मैलिएबल टाइप के होते हैं, लचीले टाइप के होते हैं, लचीले। और डक्टाइल का मतलब होता है तार खींचने योग्य, डक्टाइल मतलब ये होता है कि जैसे आप एक जगह वहाँ पे रस्सी से फंसा दो और उसमें से तार खींचना शुरू कर दो, निकलना चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है, देखो खींचो, ऐसे ऐसे खींचते चले जाओ, पूरा का पूरा तार जैसा उसमें बनता जाएगा, मतलब जैसे च्युइंगम होता है अपना, ऐसे नीचे निकालो निकलता चला जाएगा, वैसा इसके उस तरीके का नेचर है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके गुण क्या हैं, कि ये जनरली सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है आपसे स्टेटमेंट में, मेटल जनरली आपका सॉलिड स्टेट में होता है एक्सेप्ट आपका पारा, वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। और हम ये कहते हैं कि जो मेटल होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कुछ एक को छोड़ के, जैसे गैलियम और सीजियम वगैरह को छोड़ के, बाकी सब हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं भाई। दे आर गुड कंडक्टर, काय का हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल नेचर भी रखते हैं। मैलिएबल मतलब लचीला और डक्टाइल मतलब तार जैसा खींचने के योग्य भी होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपसे पूछा जाता है इस तरीके के सवाल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं ध्यान रखिएगा, मैं इस स्लाइड को डाल दूंगा आपके लेक्चर में, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, इसको मैं एडिट कर दूंगा। सवाल देखिए कैसा, ऐसा सवाल पूछा गया है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बात सही है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बात सही है,
मैलिएबल और डक्टाइल, ये भी सही है, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, हो सकता है ई ऑप्शन दे दे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी सही है ना। तो इनमें से मेटल्स आर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनके गुण हैं ये, और क्या है भाई ओवरऑल क्या है कि मोर क्या हो, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये आपसे कंडीशन भी पूछा है, आपसे कंडीशन भी पूछा गया है भाई कि क्या कंडीशंस होती हैं एक मेटल्स का, तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो बात समझ में आ गई कि 78% पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं, हम लोग कभी एग्जैक्ट डेटा नहीं बोलते हैं साइंस के अंदर, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ डिस्कवरी होती रहती है, कुछ चीज़ें घटती बढ़ती जाती हैं, वैसे कुछ ना कुछ डिस्कवर होता रहेगा क्योंकि जगह खाली है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 78% देखा कि मेटल्स मौजूद हैं जो पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में बाएं साइड में आपको दिख रहे हैं मेन बॉडी में, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले जो होते हैं वो मेटल्स के कैटेगरी में रखे जाते हैं। उनके कुछ गुण होते हैं कि सॉलिड के नेचर में होता है, वो क्या होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सबके सब उनकी प्रॉपर्टीज है। बात क्लियर है, ऐसे रट लीजिएगा खोपड़ी में अपने। देखिए क्या, विच मेटल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल हैं वो तो अच्छे कंडक्टर हैं। तो नॉन मेटल में देखेंगे तो ये आपका देखो यहाँ पे Ag, मतलब आपका जो सोना चांदी है ये एल्युमिनियम, ये सब मेटल के कैटेगरी में आते हैं भाई। आपका लेड नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल वाले पुअर कंडक्टर होते हैं भाई, चाहे वो हीट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर आपको क्या लगा लेना है, लेड, सोना चांदी एल्युमिनियम, ये सब जो चांदी सोना एल्युमिनियम, ये सब मेटल के कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बोलो ना यार, किस तरीके के सवाल कर लोगे। अगला चलें आगे, नॉन मेटल पे आते हैं, नॉन मेटल, तो वहाँ पे अगर नॉन मेटल, अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, देखो यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, ये मेटल की बात हो गई। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, इट मीन्स कि हम इस साइड में आ गए तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैं, विद्युत ऋणात्मकता इनकी बहुत ज़्यादा है। तो नॉन मेटल कौन से होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत क्या हो, हाई हो। तो सबसे अगर मेटेलिक की बात करेंगे तो इसमें नीचे जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़ता है, तो नीचे आने पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है, और इधर से जाएंगे इधर तो नॉन मेटेलिक बढ़ता है आपका, क्या है, नॉन मेटेलिक, इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक बढ़ेगा। इट मीन्स कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला होगा वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल करेक्टर रखेगा, उस कैटेगरी में वो आएगा। देखो ना भाई, देखो नॉन मेटल को, नॉन मेटल द एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब अब क्या है, उल्टा हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता उसकी हो और कम से कम उसकी विद्युत धनात्मकता हो, ठीक। तो जैसे हमारे इस साइड में, हम अपने बाएं साइड से दाहिने साइड में आते हैं, तो दाहिने साइड में हमें फ्लोरीन है ना, देखिए ना भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वालों में देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन आपका है, ऑक्सीजन फिर है, ये ऑर्डर है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है भाई, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इट मींस कि मोर क्या है, नॉन मेटल है, इनकी नॉन मेटल की कैरेक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये आपके कौन से हैं, अधातु हैं, अधातु, अधातु आपके हैं। तो अगर मैं कहूँ, अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर है, तो आप अधातु का ऑर्डर बताइए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका कैरेक्टर भी अधातु का ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि मैं कह दूँ यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब क्या हैं,
इस ऑर्डर में आपके नॉन मेटल हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है भाई। ऑल नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, मतलब मैंने कहा ना उस साइड में, दाहिने साइड में मौजूद है। जितने भी मेटल थे वो बाएं साइड में और जितने वो थे दाहिने साइड में। बोलो भाई, क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान है। तो नॉन मेटल की क्या कंडीशन है कि नॉन मेटल वो हैं जिनमें बहुत हाई विद्युत ऋणात्मकता हो, मतलब मोर इलेक्ट्रो निगेटिविटी। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर होगा आपको। चल रहे हैं आगे। कुछ गुण हैं इनके, ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड में भी मौजूद होते हैं, लिक्विड में भी मौजूद होते हैं। जनरली देखो यहाँ पे नॉन मेटल आर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में। अब देखो क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्या है वो गैस है। और आपके देखो ब्रोमीन आपके लिक्विड है, ब्रोमीन आपके लिक्विड स्टेट में होती है एज ए रूम टेम्परेचर पे। तो जनरली जो नॉन मेटल होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, वो तीनों फॉर्म में आपको मिल जाते हैं भाई। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट उसका उल्टा, अपने मेटल का हाई बोला था तो इसका आपको लो बोलना पड़ गया। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट बोरान एंड कार्बन। देखो यार बोरान का एलोट्रोप्स होता है और कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन में देखा होगा आपने डायमंड है, उसका एलोट्रोप्स है, फुलरीन उसके एलोट्रोप्स हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। और जो मजबूत होते हैं, अच्छी पैकिंग होती है उनकी और मजबूती बहुत अच्छी होती है। इस वजह से क्या होता है भाई, ये क्या होते हैं, जैसे बोरान है, बोरान की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के खींचना। मैं मतलब कि एक काम करा, एक हुक लिया, इस हुक में रस्सी लगाया और पकड़ के खींच रहा हूँ, जब तक वो रस्सी नहीं टूट जा रही है मैं खींचे जा रहा हूँ, खींचा जा रहा हूँ। और जितनी मजबूत होगी इट मीन्स कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही मजबूत है। मतलब कि बोरान की अगर रोप ले लिया जाए, धागा ले लिया जाए ना, उससे एरोप्लेन भी खींच सकते हो, बहुत मजबूत होता है वो। अगर इतनी पतली भी अगर बोरान है उसको आप मतलब इतना समझ लो कि इतनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि भारी से भारी सामान उससे खींचा जा सकता है। समझ गए बात? तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है बोरान और कार्बन के एलोट्रोप्स। देखोगे तो डायमंड मजबूत होता है क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी होती है। फुलरीन जिसको C60 आप लोग कहते हो भाई, C60 जिसको आप लोग बकी बॉल भी कहते हो, BUCKY, बकी बॉल आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल जैसा हेक्सागोनल बना रहता है, फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल उस पे आपने देखा होगा जो सिलाई हुई रहती है, जो सिलाई होती है वो हेक्सागोनल बकी बॉल जैसा होता है, C60 बोलते हैं उसको भाई, C60 फुलरीन होता है आपका। ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कार्बन नैनो ट्यूब होता है। ये सब क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब का मतलब मैं समझाऊँ आपको, ये सब चीज़ें आपको मालूम होगा कि कार्बन के एलोट्रोप्स में क्या क्या है। जैसे देखो भाई ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट डायमंड तो आपको पता ही है, डायमंड और ग्रेफाइट की कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल की सीट होती है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन के साथ में क्या होती है, कनेक्ट होती है। एक ये सीट है ग्रेफाइट की, इसके ऊपर ग्रेफीन की सीट है, हेक्सागोनल सीट है। जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसा, ऐसे आपने एक सीट बना दी, हेक्सागोनल सीट बना दी है भाई, हेक्सागोनल सीट बना दी है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो देखा होगा ना यार आप लोगों ने, एक सीट है, इसी के ऊपर हेक्सागोनल दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, ऐसे आपने सीट बना दिया, एक पेज एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट। तो ये हो गया ग्रेफाइट, इनमें से एक सीट निकाल दिया आपने, एक सीट निकाल दिया, उसमें से एक सीट निकाल दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेफिन सीट। क्या बोलते हैं भाई, ग्रेफिन सीट। बहुत मजबूत होता है और आज के समय में इसका डिमांड है, ग्रेफिन सीट बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग मटेरियल के फील्ड में अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब यही ग्रेफिन सीट को आप क्या करो, फोल्ड कर दो। अब हेक्सागोनल है, इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया भाई, ऐसे क्या कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, मतलब सिलेंडर के तरीके से ऐसे बना दिया, ऐसे सिलेंडर बना दिया। तो जब यही ग्रेफिन सीट को आप फोल्ड कर दोगे, फोल्ड करके वो कर दोगे, तो ये हो जाता है कार्बन नैनो ट्यूब।
क्या हो जाता है भाई, कार्बन नैनो ट्यूब। और आने वाला समय कार्बन नैनो ट्यूब और ग्रेफीन का ही है। ये लोगों की प्रॉपर्टी हाई कंडक्टिंग होते हैं, लो वेट होता है इनका, मतलब आप गाड़ियों में देखोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर जगह यूज हो रही भाई, जो आपके आसपास आपके मोबाइल में यूज हो रही है, आपके टेक्सटाइल में, आपके गाड़ियों में बहुत इसके क्या है एप्लीकेशन है। तो ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं, तो इनको कह सकते हो कि हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों ने डायमंड को देखा ही है ना भाई, डायमंड है मजबूत बहुत होता है, इस वजह से क्या है हमारा कार्बन को छोड़ के मतलब कह सकते हो कि बाकी चीज़ें क्या हैं आपकी लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्ट, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं भाई, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ पे क्या था, अच्छा था, गुड कंडक्टर था। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल सॉलिड आर ब्रिटल, भंगूर जिसको कहते हैं, जैसे आपका कोयला भंगूर, ब्रिटल भंगूर भाई, जैसे आप कोयला रखो, कोयला को ठोक दो ऐसे, मार दो, फट से बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फैल जाएगा। और मेटल था, उसको आप पीट रहे थे तो वो क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे बिल्कुल पपड़ी जैसा बना जा रहा था, एक तरीके से कह लो आप जैसे लोहे को मार मार के आकार देते हो, वो टूट के बिखर नहीं जाता है। अगर वो गर्म लोहे को आप पीट रहे हो तो फैलता है, जो आकार देना चाहते हो आकार मिलता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो भंगूर टाइप के होते हैं, मारोगे बिखर के इधर उधर चारों तरफ फैल जाएगा। और ये मैलिएबल नहीं होते हैं, मैलिएबल का मतलब वही लचीला नहीं होता है, मतलब डक्टाइल भी नहीं होता इनका, आप तार जैसा कुछ बना नहीं सकते। अब मार दोगे टूट जाएगा, कहाँ से बनेगा, लचीलापन चाहिए। तो मेरे भाई एक बात बता दो कि जीवन में मैलिएबल होना जरूरी है, जीवन में डक्टाइल जैसा होना जरूरी है, या फिर आपको ब्रिटल। आप अपने लाइफ को बिल्कुल लचीलापन रखिए, अपने जीवन को लचीलापन रखिए कि कोई आपको पीटे तो आप ऐसे बिखर मत जाओ। मतलब कहने का है कि आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, फैला लो, एडजस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे आपको टूटना नहीं है, भंगूर जैसा नहीं हो जाना है कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको पीट दिया तो आप बिल्कुल टूट गए, बिखर गए और कमज़ोर हो गए। तो आपको मैलिएबल टाइप का आपकी प्रवृत्ति, या फिर आपका प्रवृत्ति होनी चाहिए किस तरीके की, डक्टाइल टाइप की, एक लचीलापन होना चाहिए आपके जीवन में। अकड़ू टाइप के हो जाओगे तो आपकी अकड़ रिलेशन को बर्बाद कर देगी, ये तो आपको पता है, रिश्तों का मतलब ही होता है कंप्रोमाइज़। तो कंप्रोमाइज ही है ये, मैलिएबल डक्टाइल कंप्रोमाइज ही है कि आकार ले लेता है, जैसा उसको बनाया जाता है वैसा वो बन जाता है। अकड़ू टाइप का एटीट्यूड टाइप का रहेगा, रिलेशंस में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आएंगे और बिखर जाएगा वो चीज़ें। तो हमें अपने जीवन में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ इस तरीके से रखें। तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ, नॉन मेटल क्या हुआ भाई, कि नॉन मेटल हमारे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, उनका स्टेट होता है, और हमें ये मालूम है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट और हाइलिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कुछ एक को छोड़ के, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ अपने एलोट्रोप्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके आइसोटोप्स होते हैं जो उनको मजबूती देते हैं। आपका देखा कार्बन ग्रेफाइट कमज़ोर था तो डायमंड कहीं ना कहीं मजबूत था, उसके बाद हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जनरली हम कहते हैं कि लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम ये कह रहे हैं। और ब्रिटल जैसा होता है, भंगूर टाइप का होता है, ये आपका मैलिएबल और डक्टाइल नेचर का नहीं होता भाई, ठीक है। ये बात आपकी कुछ इनके अधातुओं की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ में मैलिएबल और डक्टाइल नेचर को अपने जीवन में भी रखिएगा, अकड़ू टाइप मत हो जाइएगा, कोई ना कोई आएगा आपकी अकड़ तोड़ के चला जाएगा। मेटलाइट्स भाई, उपधातु, उपधातु मैंने आपको समझाया था, जो आपके जो डायगोनल थे, डायगोनल पे जो पांच थे, जैसे आपने देखा बोरान आपका है, बोरान सिलिकन है ना, आपका एंटीमनी हो गया, जर्मीनियम हो गया, एस्टेटाइन हो गया, टेलूरियम हो गया, ये सब के सब क्या हैं, बोरान सिलिकन यही सब क्या है, ये पूछ लेता है आपसे इनमें से कौन सा मेटोलाइट्स है या फिर कौन से मेटोलाइट्स नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक छूट गया, आठ होते हैं, वैसे जनरली आठ होते, पोलोनियम ये
टेलुरियम लिखा हूँ, टेलुरियम है, एस्टेनाइन है, वो भी है, जर्मेनियम है, लेड है, सिलिकन है, बिस्मथ है, छूट कौन सा गया है, एक बार देख लिया जाए। बोरान, सिलिकन, आर्सेनिक नहीं है भाई इसमें, आर्सेनिक इसमें शायद मिला नहीं होगा, मिला नहीं होगा फोटो, इस वजह से आर्सेनिक यहाँ पे नहीं है। तो आर्सेनिक भी आपका क्या है, मेटोलाइट्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आज के लेक्चर का सबसे अहम बात ये है आपका, ये आपका सबसे अहम बात है आज का, ये सबसे अहम बात है कि ये पूछ लेता है भैया कि बता दो इनमें से कौन सा उपधातु है या उपधातु नहीं है। ये इनकी कैटेगरी क्या होती है, दोनों में होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का बिहेवियर करते हैं, ये आपका एसिडिक और आपके बेसिक कंपाउंड दोनों बनाते हैं, जिसको हम लोग एम्फोट्रिक बाद में बोलेंगे, तो उसकी कहानी आएगी जब हम लोग एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड और एम्फोट्रिक वाला बात करेंगे, वहाँ पे आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इतना। तो आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। मेटल आपके मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल आपके सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपके स्ट्रॉन्ग क्या, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और आपके मैलिएबल और डक्टाइल नेचर। जहाँ की नॉन मेटल आपका क्या था, नॉन मेटल आपका था भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होते हैं, तीनों फॉर्म में इनको देखा जाता है, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। पुअर क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और एक ऐसे होते हैं भंगुर टाइप के होते हैं भाई, ब्रिटल टाइप के होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, छोटा सा लेक्चर था, तो इसको समाप्त करते हैं, कुछ कहानी अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। तो थैंक यू सो मच भाई, अब आज इतना ही, थोड़ी थकान आज ज़्यादा है तो बोलने में भी दिक्कत महसूस हो रही है मुझे, तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा और इसको मैं कंप्लीट कराता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है भाई। तो अभी इतना ही, ऑल द बेस्ट, अच्छा लगेगा आपको जब ये पीरियोडिसिटी आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।